जो मैं जमया से मेरी माँ पंजाबी बोलती सी पंजाबी जिहड़ा मैं पहला अक्षर सिखिया सी वो पंजाबी च सिखिया सी पंजाबी च साडे देश दे विच अलग अलग भाषावां सारिया का सानू बहुत ज़्यादा सत्कार है चाहे गुजराती है मराठी है कोई अपने कन्नड़ च बोलते हैं कोई तेलुगू च बोलते हैं हिंदी बोलते हैं सानी सारिया नू बहुत बहुत रिस्पैक्ट पर क्योंकि मेरी माँ पंजाबी बोलती है इस करके मैं भी पंजाबी बोलना तो मैं कहना पंजाबी आ गए दिल्ली हो मैं हूँ पंजाब हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर। एक बार आप इस लाइव से जुड़े और जुड़कर अधिक मात्रा में शेयर करने का काम करें। आज मैं दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए अपने पूरे राष्ट्र को, पूरे दुनिया को, पूरे देश को, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो है दलजीत जो सिंगर हैं उनके विषय में दो तीन बातें कहना चाहती हूँ और अगर आपको ठीक लगता है तो इसको शेयर करने का काम आप लोगों ने करना है। ये क्या नफरत फैलाने का काम करते हो। दलजीत जी तिरंगे को ओढ़कर क्या कहते हो दिल्ली आ गए। कराची में है क्या दिल्ली, पाकिस्तान में है दिल्ली या कहाँ है दिल्ली, भारत में है दिल्ली। दलजीत जी दिल्ली इंडिया में है और ये तिरंगा भारत का है और तिरंगा ओढ़ के पाकिस्तान तो नहीं गया तू। जो कह रहा दिल्ली आ गया। पंजाब के नौजवान जब शहीद होते हैं ना बॉर्डर के ऊपर भारत माता की रक्षा करते हुए, वो भी तिरंगे में लिपट कर आते हैं पंजाब में। इस देश का स्वाभिमान और इस देश की गरिमा जुड़ी है इस तिरंगे से। अगर देश में कुछ हक खालिस्तानी, अगर देश में कुछ हक ऐसे देश तोड़ने वाली मानसिकता होगी तो इसका मतलब तिरंगा ओढ़कर जब तू कहने लगे कि मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, दिल्ली भारत में है, दिल्ली हमारा है, दिल्ली में हम तिरंगा लेके जा सकते हैं और हम तो हर साल लाल किले पर तिरंगा झुलाते हैं, लहराते हैं, हम तो साल में दो बार तिरंगा लहराते हैं, हम तो आजादी के हर उस दिन तिरंगे की बात करते हैं। तूने कौन सा नया काम कर दिया। ये दलजीत सिंगर जो पंजाब से है, ये तिरंगा ओढ़ के लो दिल्ली आगे कहते, दिल्ली आगे मतलब दिल्ली कहाँ आगे, आंदोलन करना था दोबारा से। क्या क्या मानसिकता है आपकी दिल्ली को लेके, क्या सोच है आपकी दिल्ली को लेके। पंजाबी तिरंगे से प्यार नहीं करते क्या, करते हैं ना। पंजाबियों ने शहीदी और बलिदान नहीं दिया क्या, दिया है ना। सिखों का देश की आजादी में, कुर्बानी में, बलिदान में नाम नहीं है क्या, है। पर तूने कौन सा नया काम कर दिया दिल्ली आगे है। इस तरह की नफरत, इस तरह का बंटवारा, इस तरह की मानसिकता, इस तरह का वायरल होने का मुद्दा तिरंगे के ऊपर ना करें। इस तिरंगे के लिए, इस देश को एक करने के लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी को एक करने के लिए भारत के सपूतों ने बलिदान दिया है। कई माँ ने अपने लाल खोए हैं, कई युवा तिरंगे में लिपट कर आए हैं, कईयों को अगर परिवार में से कोई एक शहीद हो गया ना दूसरा बच्चा है तो कई बाप ने उसको भी सरहद पर भेजने का काम किया। वो आन बान शान और भारत माँ के लाल तिरंगे में ही लिपट कर आते हैं। दलजीत जी तिरंगे के ऊपर राजनीति नहीं करना,
तिरंगा ओढ़कर ये कहना लो दिल्ली आगे। ये कोई बहुत बड़ा डायलॉग नहीं था, तिरंगा हमारे दिल में बसता है और तिरंगे के लिए हम मर भी सकते हैं और मिट भी सकते हैं। तो ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए तमाम हिंदुस्तानियों को जो सिखों के और हिंदुओं के अंदर दो फाड़ करने का काम कर रहा है, जो हरियाणा पंजाब और दिल्ली के टुकड़े करने का काम कर रहा है, जो दलजीत गाने के बहाने पंजाबियों के प्रति एक अजीब मानसिकता पैदा करने का काम कर रहा है। कैसे कैसे काम करते हैं ये लोग, धिक्कार है आप लोगों पर। पंजाब और हरियाणा से अलग नहीं है, पंजाब के और दिल्ली के दो विभाग करने की आवश्यकता नहीं है। गरिमा को महसूस करिए, अगर आपको लगता है बात सही है तो ऐसे व्यक्तियों का विरोध करिए। अंत में फिर कहूँगी, दिल्ली इंडिया में है और इंडिया में हम सब रहते हैं, उधर जाना पाकिस्तान की तरफ ओढ़ के तिरंगा फिर कर मारना, रुके सनी देओल बनने की कोशिश मत कर, है नहीं है तू। जय हिंद। मैं साध्वी देवा ठाकुर, हौस के वीडियो शेयर करना।